Subscribe to my channel. Press the bell icon for watching my new videos. हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑलवेज न्यू मूवी अपडेट्स। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ हाउसफुल 4 मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब करें। देखिए, अक्षय कुमार बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के टॉप स्टार में से आ चुके हैं जिनकी मूवीज़ अब नाम से चलती है। जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार एक ऐसे स्टार है जिनके नाम से ही मूवीज़ बॉक्स ऑफिस में 100 करोड़ का कलेक्शन कर जाती है। इसी तरह से हाउसफुल 4 थी, जितने मर्जी इस मूवी को नेगेटिव रिव्यूज़ मिल जाएं लेकिन ये मूवी फिर भी बॉक्स ऑफिस में अच्छी खासी साबित हो ही गई। आप लोगों को पता ही होगा कि जब मूवी के रिव्यूज़ सामने आए थे मैंने आपको बताया भी था कि इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिव्यूज़ मिल रहे हैं, लेकिन इस मूवी में अक्षय कुमार है तो अक्षय कुमार है गारंटी कुमार, यानी कि मूवी हिट तो होगी ही। और अभी तक का जितना कलेक्शन आया है उसको देख के तो यही लग रहा है कि ये मूवी भी हिट होने जा रही है विद नेगेटिव रिव्यूज़। तो चलिए आपको सीधे कलेक्शन की ओर ले चलता हूँ। मूवी ने 6 डे में आज के दिन 25 से 27% की ऑक्यूपेंसी लिया ऑल ओवर इंडिया में। बात करूँ कलेक्शन की तो अभी तक अर्ली एस्टिमेट पता चले हैं 16 करोड़ के, हो सकता है थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा हो जाए। टोटल कलेक्शन 127 करोड़ 82 लाख इंडिया में और 181 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड में। 7th डे यानी कल का दिन रेगुलर डे है और थर्सडे है, तो कल के दिन में मुझे लगता है कहीं ना कहीं मूवी इजीली 10 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर जाएगी। टोटल कलेक्शन हो जाएगा 137 करोड़ 82 लाख का इंडिया में नेट कलेक्शन और 195 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में। तो आपको क्या कहना है सुपरस्टार अक्षय कुमार की न्यू मूवी हाउसफुल 4 के बारे में, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अक्की भाई सब पे भारी पड़ते हैं, यानी कि खिलाड़ी कुमार सभी पे भारी पड़ते हैं, वो उन्होंने एक और बार साबित कर दिया है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।